लीची के बारे में डिस्कस करूंगा कि लीची के लिए क्या करना है, जो मुझको अभी तक समझ में आया लीची के बारे में, चूंकि अभी एक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है और प्रारंभ करना है लीची के लिए, हनी जीआई के लिए, तो हमको कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में देखिए। तो कुछ आधारभूत जरूरतें होती है, जीआई हर चीज को नहीं दिया जा सकता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जीआई देने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है वो कहां से ओरिजिन हुआ। जैसे आपने बताया हर जगह, सुबह आपके वीसी साहब भी बोल रहे थे कि ये भौगोलिक इसके अंदर एक फैक्टर होता है, वो हर चीज कहां से ओरिजिन हुआ उसका वो जुड़ा होता है। जैसे पगड़ी है तो कहां की पगड़ी है, वो उस स्थान से जुड़ी हुई है, तो एक ओरिजिन होना जरूरी है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारा लीची का हनी इस क्षेत्र से आता है, वो कौन क्षेत्र हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बिहार में कहेंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और वैशाली अगर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हम कह सकते हैं कि लीची का हनी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपनी छाप बना सकता है। अगर हम जल इन जनरल कहेंगे कि लीची का हनी है, तो शायद थोड़ा सा उसमें प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि लीची एसोसिएटेड है इस एरिया से, जहां लीची ज्यादा होती है वहां लीची का हनी कहेंगे तो ठीक है। अगर आप कहने लगे कि केरला में लीची का हनी, तो कोई आपके बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज है ओरिजिन, तो हमको विस्तृत रूप से बताना पड़ेगा। ये जियोग्राफिकल डोमेन है जिसमें कि हम लीची का हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको जीआई देने के लिए हम तत्पर। तो हमने डिसाइड किया कि हमारा जो मुख्य लीची उत्पादक जो क्षेत्र है, पर्टिकुलरली बिहार का, वहां का हनी को हमको देना है, दूसरे जगह के हनी को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये दूसरे जगह के जीआई नहीं दे सकते हम, लीची का हनी का जीआई वही मिल सकता है जहां लीची होती है। क्यों? क्योंकि वो मधुमक्खियां वही है, वही लीची के फ्लावर है और उनसे ले रहे हैं। और दूसरी चीज आएगी, दूसरी चीज है यहाँ का हनी का यूनिक होना चाहिए। आपने देखा होगा जितनी चीजें उन्होंने दिखाई, कोई चीज उसमें ऐसी नहीं थी जो कि दूसरी जगह भी होती है। पगड़ी बताई तो पगड़ी भी और जगह नहीं होती, उस तरह से पगड़ी बनाई नहीं जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो कि उसको अलग करे और जगह से। यह आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? दूसरा फैक्टर, हनी जो हमारा है लीची का हनी और जगह भी होता है, लेकिन लीची का हनी वो दूसरे जगह से कैसे अलग है, ये कैसे बताएंगे आप? लीची का हनी दूसरे हनी से अलग हो सकता है। आप जानते हैं सरसों का भी होता है, सरसों का शहद देखा आपने कैसा होता है? सरसों का शहद व्हाइट होता है और क्या होता है? जम जाता है। आपका क्या आशा होता है? लीची का साथ भी जमता है लेकिन लेट जमता है। और क्या होता है? नॉर्मली शायद तीन तरह के होते हैं सर जी, जो फ्रीज होता है जम जाता है, सेकंड डाइल्यूट होता है जो डाइल्यूट रहता है, सेकंड वो होता है जिसमें दरदरा पड़ जाता है, कुछ जमता है, क्रिस्टल जम जाते हैं। तो ऐसा है, लीची के शहद की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको बतानी पड़ेगी। ये और मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ समझने की कोशिश करिए, ये और शहद से कैसे अलग है? जैसे नीम का शहद होता है, एंटीसेप्टिक, अजवाइन का होता है, एंटीबायोटिक, अरे वो सब चीज है। मैं हम अभी लीची के इसकी बात कर रहे हैं, हम औरों को लीची के शहद को औरों से आप डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। मैं खाली लीची की बात कर रहा हूँ और कुछ बात नहीं करूंगा भाई, आप समझ रहे हैं कि नहीं? बहुतों में मेडिसिनल वैल्यू वाले बहुत होते हैं। अगर आप चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, बहुत से एरिया है जहां पर आपको व्हाइट हनी मिलेगा, ठीक है, मल्टीफ्लोरल हनी कहते हैं। ये मोनो स्पीसीज हनी है। क्या मतलब? लीची का खाली लीची एक क्रॉप है जिसके फ्लावर से बना है, और क्रॉप में मधुमक्खी नहीं जा रही हो तो आपको बड़ा ही ध्यान से संभाल के उसको बनाना है। और उसके बाद ये हनी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप तो हनी के ज्ञाता लग रहे हैं, आप मेरे को बताइए लीची के हनी को हम क्यों प्रमोट करें? ठंडा होता है, गर्म होता है, ये साइंटिफिक नहीं माना जाता है। ये साइंटिफिक मानेंगे, आपकी बात सही है, उसको हमको साइंटिफिक बेसिस पे वो करना पड़ेगा। इकुलिप्टस का जो होता है उसमें ऐसे बहुत से पॉलीफिनॉल होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं हमारे सिस्टम को। आप जब खाते हैं सुपारी तो आपके अंदर गर्मी आ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को नशा आ जाता है, कुछ लोग झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। सुपारी, कच्ची सुपारी खाई है आपने? तो जो ये सब कंपाउंड्स हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा कि नहीं? उन सब चीजों को बताना पड़ेगा हमारा हनी क्यों है इंपॉर्टेंट। आप कह रहे हैं इससे थोड़ी ठंडाई होती है, तो इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट होता है, तो कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है
वो हमको समझाना पड़ेगा। मैं आपको एक हनी का जो लीची का है उसका एग्जांपल दे रहा हूं, उसको करने के लिए कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा ये जो है कि अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा इससे, बहुत से ऐसे जीआई हैं जिनको करने से कोई फायदा नहीं है, मैंने पहले भी बोला, तो इसको करने से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा ना। आप मान रहे हैं, आपका दिल मान रहा है, आप जिस चीज को देख रहे हैं, हम आपसे कहते हैं इसका जीआई करा दो, कोई चीज एबीसीडी पड़ी कर देंगे जीआई, लेकिन उसको खरीदने वाला है कि नहीं, दूसरे लोग बना रहे हैं कि नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई यूज होगा कि नहीं, कंपटीशन में आप कहां ठहरते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान देना पड़ता है। तो लीची का जो आपका हनी है उसमें हम लोग अच्छे कंपटीटर हैं। क्यों कंपटीटर है अच्छे? इसलिए कि लीची के साथ हमारे यहाँ ही होती है। नहीं नहीं लीची बहुत जगह होती है। नहीं तो जो हमारे यहाँ जो इसका क्वालिटी अलग है हर जगह से, इसका क्वालिटी क्या क्वालिटी अलग है? बेहतर होता है सर। बेहतर क्या होता है? बेहतर क्वालिटी एक ही चीज है, हम कहते हैं बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? सुंदरता क्या है बताए, बताइए आप बताइए। टेस्ट है, क्या टेस्ट में है? ऐसी क्या चीज होती है जो टेस्ट में है? नॉर्मली लीची है ना, कहीं कहीं तो चाला है, कहीं शाही है, कहीं इसका मिक्सअप भी है। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा कि डिफरेंट वैरायटी का हनी डिफरेंट क्वालिटी का होता है? हाँ, तो किसका अच्छा होता है? अच्छा और बुरा वो नहीं, उसको मत बात करो, उसको उसको भूल जाओ दुनिया। आप केवल लीची के हनी पे बात करो, वो सब बहुत बोल गए, मैं नहीं बोलूंगा। केवल वो सब बोलना तो मैं दिन भर कहानी करते रहूंगा, मेरे को केवल लीची के हनी पे बात करनी है। मैं लीची के हनी को हम कैसे आगे प्रोसेस करें वो करना है, आप धनिया वनिया बात मत करिए। इक्यूलिप्टस में क्या होता है, उसके अंदर बहुत सी मेडिसिनल वैल्यू होती है, जुकाम के लिए यूज करते हैं, इक्यूलिप्टस का भाप लेते हैं, वो सब कंपाउंड उसमें होते हैं, ये सब बातें हमको नहीं करनी। हमको लीची से क्या फायदा है? हम ये क्यों कहेंगे कि लीची का जो हनी है ये अच्छा है, देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है, स्वाद में अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है, किसमें अच्छा है? उन उन सब चीजों को हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा प्रमाण से, और उनका अगर पुराने समय में अगर कोई संदर्भ मिलता, बता रहे थे ना 2000 साल पुरानी चीज, इतने साल पुराना ये प्रमाण है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता करना रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कहीं अगर इस प्रकार का कोई साहित्य मिलता है उसकी जरूरत पड़ेगी। हिस्टोरिकल जब आप फॉर्म भरेंगे इसका लीची का, तो उसमें देना पड़ेगा हिस्टोरिकल एविडेंसेस। ये बच्चे जो अभी जीआई का फॉर्म भरेंगे कभी, तो उसमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बहुत जरूरत होती है, और जो चीज हिस्टोरिकल होती है उनको मिलने में आसानी होती है। आधुनिक चीजों में इन्होंने कोई जीआई दिखाया आपको? जितने भी एग्जाम्पल थे कोई नई चीज थी? कही भाई स्टूडेंट्स जो है आप बताइए, कोई इसमें नई स्टूडेंट्स कोई नई चीज थी? सब हिस्टोरिकल थे, देख रहे आप। तो इसलिए क्या जरूरत होती है? हिस्टोरिकल आपको ये बताना पड़ेगा कि इतने साल से निकालना पड़ेगा प्रमाण। हमारे डॉक्टर विकास दास बता पाएंगे कि लीची इतने साल से हो रही है, इतने लीची हो रही है, तो इतने लीची इतने साल से इसका शहद भी हो रहा है, इसका मधु भी हो रहा है, हो सकता है उसके मधु का हमको पता नहीं। मैं आपको वो सच भी बता रहा हूं जिसकी हमको इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम रजिस्टर कराते हैं तो उन्होंने तो बोला दुगुना बढ़ जाता है, चार गुना बढ़ जाता है, पांच गुना बढ़ जाता है, क्या इससे लीची के इससे बढ़ेगा जीआई कराने से आपका की इनकम, आपका लाभ बढ़ेगा? ये प्रश्न है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो तो कहते बढ़ेगा कि नहीं, हाँ कहो। मैं पूछ रहा हूं क्यों बढ़ेगा, ये पूछ रहा हूं क्यों बढ़ेगा बताइए जी। तो ये जीआई से हम जुड़े जी, सेकंड ये है कि हमने क्वालिटी अच्छी दी जी, थर्ड ये कि आप जो पोटेंशियल वाली बात कर रहे थे ना जी, अगर वो है हमें और अगर हमारी क्वालिटी में दम है और हाँ। जीआई के साथ हम हैं, अगर हमें कोई प्रमोट करता है तो निश्चित तौर पर हम आगे जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन आज अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, आज आपको कुछ भी खरीदना होता है तो हम कहां जाते हैं? इंटरनेट पे खोजते हैं कि नहीं? आप अगर भी नेट पे डालोगे लीची हनी तो लीची हनी मिल जाएगा आपको, 125 ग्राम 200 रुपए का, तो एक किलो कितने का हो गया?
कितने का हुआ? 1600 रुपए का हो गया। लेकिन वो जीआईए कुछ नहीं, वो जीआईए अगर कुछ नहीं है तो क्या है इसमें? जो ये बोल रहे हैं ये पैसा किसको मिल रहा है? ये पैसा वो हवाई जहाज की बात कर रहे थे तब वो बैगन को मिल गया, लेकिन अगर आप अपने गांव में लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जीआई मिल जाने के बाद उन लोगों के पहुंच बनानी पड़ेगी जिनको जीआई की वक्त है, जो जानते हैं जीआई, और वो क्यों ले रहे हैं जीआई का? जीआई टैग लगने के बाद क्यों ले रहे हो वे? बताएं आप, इतना सारा कथा कहानी हो गई, जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स को क्यों ले रहे हो? क्या कारण है? विश्वास होता है, विश्वास वाले बेहतर सामान होता है। हाँ, तो विश्वास औरों को नहीं है और चीजों पे। फाइव स्टार होटल आपने नाम में सुना होगा, चाय कितने की मिलती है वहां? कुछ अंदाज है? 400 की। और एक जो है गली में खुमचे में 10 रुपए की मिल जाएगी। और दोनों चाय को अगर आप पियेंगे तो वो 400 रुपए वाली से अच्छा कभी कभी जो है 10 रुपए वाली होती है, होती भी नहीं होती है। लेकिन वो 10 रुपए वाली चाय वो व्यक्ति नहीं पिएगा जो वाली चाय पीता है, उसको उसी में आनंद आएगा, और इसको नहीं पिएगा। और ये यहां जो पीता है वो कहेगा मैं इसमें तो 40 बार चाय पी लूंगा। तो यहां पे फर्क आता है। तो हमको जीआई के लिए अपना कंज्यूमर खोजना है। कंज्यूमर कैसे खोजेंगे? तो उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है जीआई का जो है, हमारी जब भी होता है जीआई की प्रोसेस डिफाइन करनी पड़ती है। आपका हनी कैसे बना? ऐसा नहीं कुछ भी हनी बना दो, कोई भी चीज कर दो, जीआई मिल जाएगा। नहीं, जीआई की एक डिफाइंड प्रोसेस होगी। तो हमारे जो जीआई होगा हनी का, जो हमारे लीची हनी का जो जीआई होगा, उसमें हमारी प्रोसेस होगी कैसे बन रहा है, किस तरह के हमारे ऑर्चर्ड हैं, कहाँ के हनी बॉक्सेस हैं, कैसे लिया गया है उसमें, जैसे सुबह बात हो रही थी इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे किया गया है, और किस पीरियड से किस पीरियड तक रखा गया। तो ये प्रोसेस जो है हनी के बनने की प्रोसेस है। उसके बाद बहुत सी चीजें क्या होती है, हनी की प्रोसेसिंग भी होती है। आप हनी प्रोसेसिंग करते हैं? कैसे करते हैं? मशीन से करते हैं? नहीं सर, हाँ, दो तरह से होता है। सेंट्रीफ्यूगल करने के बाद दो तरह का हनी होता है, एक तो ऑर्गेनिक और नहीं होता, सेकंड होता है प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस हनी होता है वो फैक्ट्री में जाता है। हाँ, और नॉर्मली क्या होता है, एक टैंक रखा जाता है, उसमें डाला जाता है, वो टेंपरेचर को थ्रू पास करते हैं, नीचे पानी होता है, इसके बाद में उसे पास कर देते हैं उसे। हाँ, और जो ऑर्गेनिक हनी होता है उसको नॉर्मली क्या करते हैं, कपड़े से छानते हैं, रॉ हनी को उसको कपड़े से छानते हैं, छानने के बाद में उसको बॉटलिंग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चीज आ गई, जीआई में आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपका रॉ हनी कल को जीआई होके उसका दाम ज्यादा मिले, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना है आपको। लेकिन उसमें खतरा भी है। खतरा क्या, आप चाहते हो कि बच्चों को हनी नहीं पिलाया खिलाया जाता है, मालूम है? चटाया नहीं जाता है, उनको मना है। ये तो इसका कारण ये है कि वो रॉ हनी और उसमें अंतर भी है। अगर काफी दिन तक हनी को रख देंगे तो क्या होगा? हनी को ज्यादा दिन रखते हैं तो क्या होता है? डिपेंड करता है हनी की क्वालिटी क्या है। नहीं नहीं, क्वालिटी क्या है, हनी को ज्यादा दिन तक रखेंगे या गर्म टेम्परेचर से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा। फर्मेंटेशन तो नहीं होगा। फर्मेंटेशन क्या होता है? अगर सर हनी में अगर आप टेम्परेचर बढ़ जाता है जी, और उसमें मॉइस्चर है, तो ऑलरेडी उसमें फर्मेंटेशन होना तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, फर्मेंटेशन की कैसे समझ रहे हैं? फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या सर, गला पर उसमें बदबू आ जाती है और उसमें ना प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है। हां, तो बदबू आने का मतलब ये नहीं होता कि फर्मेंटेशन हो गया। जब हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत से कंपाउंड बन जाते हैं, और वो कंपाउंड जो है आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। HMF एक होता है कंपाउंड। तो आपको क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि आपके हनी में उस कंपाउंड का क्या वैल्यू है, कितना है कंटेंट, आपके हनी में है कि नहीं है, दूसरे हनी में है कि नहीं है। तो उसकी बेसिस में भी कह सकते हैं हमारे हाई हनी को जीआई दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी परमिसेबल लिमिट होती है, फ्रॉम 0 to 40 होती है उसकी। तो 0 to 40 होती है मिलीग्राम पर ग्राम पर केजी। तो वो अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो आप कहेंगे कि हमारे ये इस हनी को मिल सकता है, क्योंकि ये परमिसेबल लेवल के अंदर है। एक चीज ये बताइए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है ऐसे जीआई मिलना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं। जहां पर कोई कंपटीटर नहीं होता है वहां पे जीआई आराम से मिल जाएगी। जैसे
मान लीजिए जैसे उन्होंने पगड़ी बनाई, वो पगड़ी कोई और नहीं होती है तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पर जैसे चावल बताया उन्होंने, निवारा राइस बताया, सुबह बताया ना 500 रुपए किलो मिलता है, क्यों? आप लोगों में से किसी ने देखा? वो उसका रंग डिफरेंट होता है, उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है, तो इसलिए उसका दाम ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हनी में जाएंगे आप तो हनी आमतौर पर समझ ही नहीं पाएगा आदमी, वो सोचेगा सब हनी बराबर है। तो हमको उसको समझाने के लिए अपना आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है, इसमें आपको ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी जोड़नी पड़ेंगी। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस माने समझते हैं आप, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस परंपरागत जो आपकी तरीके हैं। परंपरागत तरीका क्या है? परंपरागत तरीका यह है कि फूल आना शुरू हुआ, हमने अपने लेने जाके छत्ता लगा दिया और इसके बाद छत्ता हटा दिया और हनी निकाल दिया, तो ये एक इसमें आएगी ट्रेडिशनल। और दूसरा, आप उसमें से निचोड़ नहीं रहे, आप जो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या उससे सेपरेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये एक चीज आएगी। दूसरी चीज क्या है, इसमें लाइसेंसिंग होती है आपके? लाइसेंसिंग होती है? नहीं होती है, कोई लाइसेंसिंग नहीं होती है। लोग अपना हनी बॉक्स लाके, दूसरे जो ग्रोअर्स होते हैं, आप बिजनेस करते हैं इसका, तो लोग लाते होंगे, बाहर से भी लाते हैं, ट्रकों में लाते हैं, यहां रखते हैं, फिर ले जाते हैं, तो इसका किसी तरह का लाइसेंस नहीं होता। रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने इंडिया के नाम से करा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो होगा दैट इज ए ऑथेंटिकेशन, तो वो हमारे जीआई में जुड़ेगा कि मृत्युंजय जी जो है इस तरह का हनी प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, समझ के। आपके कुछ नियम कानून होंगे ना, क्या होंगे? हाँ, वो रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या करना है आपको, सावधानी में बताएंगे कुछ, वो क्या है? जैसे कि अगर आप सेहत बना रहे हो तो वो प्योर होना चाहिए, प्योर का मतलब उसमें एंटीबायोटिक ना हो, उसमें पोलन नहीं आने चाहिए। एंटीबायोटिक कहाँ से आता है? होता है एंटीबायोटिक नॉर्मली क्या होता है, जब मक्खी में बीमारी आती है ना, तो उसके लिए रोग उसको हटाने के लिए उसमें टेरामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देते हैं, उसको पिला देते हैं। नहीं पिलाते तो नहीं है सर, स्प्रे कर देते हैं, कभी कभी स्प्रे भी करते हैं और कभी कभी उसको शुगर में मिला के देते हैं। तो ये चीजें आ गई, देखिए ये कंटामिनेशन जो एंटीबायोटिक का है वो नहीं है, वो उनको लाइसेंस में बता गया, पता चल गया, ये लीगल एक वो है पार्ट जिसको कि वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, जो जब आप ड्राफ्ट करेंगे ये, तब ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। उसके बाद क्या होता है, लाइसेंसिंग हो गई, अब समझ गए, हमको नियम से बन के हनी का प्रोडक्शन करना है, फसाई का लेना है क्योंकि फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंप्योरिटी के साथ साथ बहुत सारी जो है हाइजीन का ध्यान रखना है आपको, गंदगी से दूर रहना, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो ये सब सर्टिफिकेशन में आता है। अब इसके बाद जो आता है आपका हनी का जीआई हो जाने के बाद, सबसे बड़ी चीज है मार्केटिंग। मैंने आपको बताया था मार्केटिंग कहां हो रही है, मार्केटिंग वहां हो रही है जहां उसके टेकर है। तो जीआई की मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जो आपको मिल सकता है गवर्नमेंट से मिल सकता है। यहां कोई हनी बी का हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन, हनी बी का बिहार में कोई फेडरेशन है जो हनी का या हनी बी का फेडरेशन कोई है? हाँ, तो उसको एक्टिव होना पड़ेगा, हाँ, या आप लोगों को बनाना पड़ेगा, कोई भी चले, किसी को भी आगे आना पड़ेगा, तो जीआई को उनके थ्रू आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांडिंग, अब जीआई का ब्रांडिंग अगर आपको जीआई मिल गया तो ये नहीं कि आप अलग ब्रांड बनाते हैं, वो अलग ब्रांड बनाते हैं, वो अलग ब्रांड बनाते हैं, ये नहीं होगा। आपको एक अपना मान लो बना दिया मिथिला हनी, मिथिला लीची हनी, मिथिला लीची शहर या मिथिला लीची मधु, वो तो आप लोग सोचोगे, उस हिसाब से एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि इन्होंने अलग बनाया, उन्होंने अलग बनाया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में, समझ में आ रहा है? बोर हो रहा है तो मैं जल्दी खत्म करूं। लेकिन एक काम कर सकते हैं, अगर वो है तो उसके साथ सब लोग मिल सकते हैं, इसमें एक एफपीओ को आगे आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है, यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करेगी, डॉक्टर विकास दास फैसिलिटेट करेंगे लीची वालों को, टेक्निकल नॉलेज देंगे, लेकिन आना पड़ेगा एफपीओ को आगे। क्लियर हुआ आपको? तो वो अगर बढ़ाया है तो वो आगे बढ़ा देगी उस, जी बिल्कुल। नॉर्मली क्या है कि हमें प्रोसेस नहीं मिलता है, हमें फ्लेवर वाइज का भी नहीं मिलता, जैसे फसल वाइज क्रॉप वाइज होता है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ?
इसका सारा का सारा फंडिंग के लिए तो आपने अकेले किया है आपका एफपीओ और कोई? देखिए ऐसा है, एक आदमी से नहीं होगा, इसमें उनके एफपीओ के साथ भी आपके जैसे बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा, एक लंबी लिस्ट होगी, इसमें आपके टेक्निकल सपोर्ट करने वाले भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर, तब जाके कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनेगा और वो उसको सबमिट कर पाएंगे। देखिए अधिक भी एफपीओ हो सकते हैं, एक को ये एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, तो कई हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं हो जिसके नाम पे, वही दूसरा भी कर सकता है। हाँ इसके लिए क्या करना होगा? वो तो प्रोजेक्ट एंटायरली डिफरेंट चीज है भाई, वो अलग चीज है, उस प्रोजेक्ट को अगर ये जिया जाता है तो आपको मिलने में आसानी हो जाएगी, एमएसएमई में आपको मिलने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये जीआई प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोकल है उसके लिए वोकल हो रहे हैं, इसलिए आपको एमएसएमई मिलने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपने देख लिया इसमें, अगर सबसे बड़ी चीज क्या होगी जो पहले इन्होंने बता दिया, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी अगर आप नहीं रखेंगे तो जीआई आपका बेकार है, जीआई को तभी आप बचा सकते हैं जब उसकी क्वालिटी को आप समझते हैं, क्वालिटी क्वालिटी के अंदर क्या पैरामीटर है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगी? इस जीआई जो प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केट वैल्यू अपने आप ही ज्यादा होगी, और उसके जो आपके यूजर्स हैं उनके पास आपको मार्केट सर्च करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा स्पेसिफिक, क्यों जीआई एवरीबडी ये नॉर्मल सब लोग यूज नहीं कर सकते, ये एक हाई पेड जो क्या पर्टिकुलरली जो प्रोफाइल वाले लोग होंगे वो उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा पैसा कभी मिल सकता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा जो रोल होगा वो आपके गांव पर पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट पर पड़ेगा, सब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जीआई का अगर प्रोडक्शन करेंगे मान लीजिए 1 टन किया तो उससे कुछ नहीं होने वाला, इसमें हो सकता है सैकड़ों टन हजारों टन की आवश्यकता पड़े, समझ रहे नहीं, उसको स्टोर करना पड़ेगा, बहुत सारे टनों में करना पड़ेगा, फ्रेश हनी अलग जाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी टीम होगी, और उसका फर्क किस पे पड़ेगा, अगर ये होगा तो किस पे फर्क पड़ेगा, अकेले तो आप नहीं कर सकते, उसमें जो मधुमक्खी रखने वाले वो भी करेंगे और किसान भी लाभान्वित होंगे और बहुत बड़ा समूह होगा जो कि आगे बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है इसमें, रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको एमएसएमई का प्रोजेक्ट मिलने में आसानी होगी, क्यों अकेले नहीं हो रहा है, आपके साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, बहुतों का आप जो है रोजगार दे रहे हैं और लाइवलीहुड का उसमें एनहांसमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब आप लोगों को जब ये बनाएंगे तो आपको कुछ उसमें कंपैरिजन ग्लोबल हनी जो है अवेलेबल जिनको जीआई मिला है उनसे भी कंपेयर करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कई जगह पे मिला हुआ है, ठीक है, सुंदरबन में मिला है, तमिलनाडु में मिला है, कई जगह पे मिला है, उन हनी से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको उन हनी के बारे में बताना पड़ेगा, तब जाके एप्लीकेशन पूरी होगी। जब आप उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देंगे तो उन हनी से जब कंपैरिजन कैसे होगा ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने जब डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक, उसके लिए ये टर्म आ जाएगा कि जीआई से बहुत सारे जगह पे जीआई टैग मिलने से, जीआई रजिस्ट्रेशन होने से इकोनॉमिक वैल्यू उसकी बढ़ गई, ठीक है, तो वो होना एक आवश्यक है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है, हम तो बात अच्छी अच्छी कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे, बहुत सारे तो हम तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी, हर चीज करने में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इतने जल्दी ही सब लोग सफलता प्राप्त कर ले, सब सफलता प्राप्त करते तो सब कर ले। आप छोटा सा कर रहे हैं, वो एमएसएमई में सबमिट किया है, आप जानते होंगे कितनी सारी समस्याएं आई हैं, आई है कि नहीं, तो सबसे पहले जो होती है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसके लिए क्या आपको ऑप्टेन, उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऑप्टेन करनी पड़ेगी, और जीआई स्टेटस मिल जाने के बाद भी आपको जो अपने बी कीपर्स हैं उनको सबको वर्कआउट करना पड़ेगा, अपने जो आपका नेटवर्क है ऑर्चर्ड्स का जहां से आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वहां पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा आपको अवेयरनेस का। जैसे डॉक्टर विकास दास कह रहे हैं फ्लावरिंग ना करो, फ्लावरिंग स्प्रे ना करो, तो वो तो जो है डर रहा भी है, मैं अपनी लीची बचाऊं कि हनी बनाऊं, और हनी में तो किसको पता चल रहा है इंसेक्टीसाइड आ गया है, तो वो तो स्प्रे कर दे रहा है, लेकिन उसको बताना है स्प्रे का कोई यूज नहीं है, इससे मतलब कोई कीड़ा नहीं दिख रहा है तो पहले स्प्रे क्यों करो,
स्प्रे तब करो जब कीड़ा दिखने लगे या दिखने की संभावना हो, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। तो हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज एक और है, आपने मान ली जीआई मिल गया आपको, दूसरा आदमी भी उसका मिसयूज कर सकता है, उसने भी वैसे छपवा लिया, लेबल ब्रांड ब्रांड सब छपवा लिया और पता चला वो भी बेचे जा रहा है, इधर से आपका भी जा रहा है, कैसे फर्क करेंगे? आप प्रेस से छपाएंगे ना ब्रांड लेबल, बोतल बनाएंगे, खुद तो बनाएंगे नहीं, उसने पता कर लिया अरे इन्होंने तो मोहित से बनवाया है, ठीक है मोहित से कहा है यार मैं तुमको जितने दे रहा हूं उससे 10 रुपए और ज्यादा दूंगा, मेरा इतने टेबल बना दो, बना देगा, उतनी बॉटल बना देगा। तो उस चीज के लिए आपको एक करना पड़ेगा बहुत बड़ा, उसके लिए बैच होना चाहिए बहुत, हो सकता है क्यूआर कोड हो, वहां पे आता है ट्रेसिबिलिटी का मामला कि आपका हनी आपके बाग से कहां से चला है और कहां तक पहुंचा। इसमें अब ब्लॉकचेन का भी प्रोविजन है, ब्लॉकचेन भी इसमें आएगी, तो ये जो ट्रेसिबिलिटी है और जो वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, ये सब चीजें बड़ी ध्यान से क्रिटिकली, ये नहीं कि बन गया दे दिया भेज दिया हो गया, ऐसा नहीं, ये बड़ा डेलिकेट इशू है। अगर इंफ्रिंजमेंट होगा या इसमें जो है लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया आपके ब्रांड का आपके उसका, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा आपको, दुनिया भर में गाना गाना पड़ेगा, अपना ढोल पीटना पड़ेगा कि हमारा हनी है, ऐसे बता रहे थे ना आपको, जीआई कर रहे थे डॉक्टर साहब, जीआई को आगे बढ़ाओ, वैसे हम अपने हनी को आगे बढ़ाएंगे, हमारा हनी जीआई हनी लाएगा हमारे लिए मनी। लेकिन कैसे लाएगा, उसको लाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए जीआई हनी को लाने, मनी लाने से कहने से नहीं होगा, जीआई दिलाने से नहीं होगा, उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। वो सबसे बड़ा काम जो होगा आपको क्या होगा, मार्केट और कंज्यूमर अवेयरनेस आपको बताना पड़ेगा। मार्केट में जो है बहुत से हनी, जैसे क्या करते हैं लोग, ढाबर वाला क्या करता है एडवर्टीजमेंट, इसमें जो शुगर मिला है बोला पता, इसमें ये मिला है वो बोलता, वो है वहां से शुद्ध है फलाना है ढिमाका है, कई कई तरह के लोग जो अपने ग्राहक को उसको कन्विंस करने के लिए खोजते हैं, वो हमारे मार्केटिंग वाले लोगों के साथ बैठ के आपको मिलना पड़ेगा। कैसे आप करें कि वो जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो समझे भाई ये तो शुद्ध आदमी है, खाली तिलक लगाने से नहीं होगा कि हम शुद्ध हैं, देखने से भी लगना चाहिए, नहा लिया हमने, कपड़े शुद्ध हैं, हर चीज होने हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका हनी भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है जो सही काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, अब ऐसा नहीं है आपने एक साल कर दिया, एक साल करेंगे पहले साल तो सफलता मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं, पहले तो शुरुआत होगी, जैसे आज शुरुआत हो रही है ना, अब आज के बाद आप घर में सो गए, आज अवेयरनेस हो गई, अवेयरनेस के बाद गए छुट्टी हो गई, अब कुछ नहीं काम है, अब तो सब काम हो गया, सो रहे हैं कुछ लोग यहीं पे सो जा रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं ना तो उसके लिए जाके आओ, सो गए, हो गया जीआई, हो गया जीआई, हो गया जीआई, हो गया जीआई, हो गया, ऐसे जीआई नहीं होगा। तो जीआई होने के बाद आपको अवेयरनेस होनी है, अवेयरनेस के बाद आपको उसको आगे सस्टेन करना है। आपने मान लिया एक साल प्रोड्यूस करे यार कुछ पैसा ही नहीं मिला इस बार, तो इतना ट्रक हनी हमारा पड़ा हुआ है, जीआई करके क्या फायदा, ऐसा भी बोल देंगे भाई अगले साल ज्यादा हो जाएगा, अभी लोगों को पता ही नहीं जीआई हुआ कि क्या नहीं हुआ, भाई आपने क्या किया आपने घर में, आप किस चीज की चाय पी रहे हमको क्या पता है कि नहीं, कौन सा हनी खा रहे हमको क्या पता, आपको दुनिया को बताना पड़ेगा ये हनी खाओ, हमने जीआई है इसमें और क्यों जीआई है ये बताना पड़ेगा, तो उसका एडवर्टीजमेंट करने का। तो सस्टेनेबिलिटी सबसे जरूरी है, ये कि नहीं एक साल में आपने काम खत्म, दूसरे साल कुछ नहीं किया, एक साल में दुखी हो गए, दो साल में दुखी हो गए, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका अकेले काम नहीं चलेगा, अपनी टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, स्टोरेज के लिए जगह होगी, समझे कि नहीं, आप फसाई बोला है उन्होंने उसको, सब फूड जो है फूड जहां पर आ जाता है तो वहां पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, उसके स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ेगा, कहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा, तो इन सब चीजों के लिए। और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, पता चला आप तो विद्वान है, धनिया का भी बना रहे हैं, इक्यूलिप्टस का भी बना रहे हैं, फलाना भी बना रहे हैं, और दूसरा बिल्कुल ज्ञानी नहीं है उसको, तो उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने जो टीम है अकेले नहीं कर पाओगे आप, ये जो लोग किए सब लोग किए हैं, हो सकता है जैसे वो एग्जाम्पल बता रहे हैं ना वहां का, ज्यादातर एग्जाम्पल उनके महाराष्ट्र के, वहां तो ऐसे हैं जरा सी एक चाबी भर दी सब में चाबी भर गई, सब घूमने आए हैं,
यहाँ तो एक में चाबी भरोगे यही घूमेगा है ना, एक किसान में चाबी भरी तो वही घूमेगा, कोई कोई नहीं घूमेगा है, उसकी चाबी निकाल देगा भाग जाएगा निकाल के, हम तो चल रहे तुम भी मत चलो, उसकी भी चाबी निकाल के भाग जाएगा है ना। वो कहते ना कहावत है ना, खेला अपना खेल क्या खेल बिगाड़ दे क्या कुछ कर देगा वो कर देगा। इसलिए आपको जो है ये ध्यान रखना, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपने सारे लोगों की। मैं छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, जो जीआई करेंगे आप तो सफल कैसे होंगे, मैं बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, कोई छोटी चीज बता रहा हूँ, और खाली इसके लिए ठीक है। और एक चीज है, आपको जो आपका स्टेक होल्डर जो मेन कार्यकर्ता है, मेन जो प्रोड्यूसर है, उसको नहीं छोड़ना है। पता चला आप सब हीरो बन गए और जो काम करने वाला मेन वो जीरो बन गया, तब क्या होगा? तब आगे कुछ नहीं होगा, ना क्वालिटी होगी, ना सस्टेन करेगा, ना कुछ नहीं होगा, सब खत्म। अब आपके पास बहुत सारी वो है, आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं क्या है? सबसे पहला संभावना यह है कि इसको अगर आप कहोगे ना, होते हुए भी मान लेंगे भाई यहाँ का जीआई दे देना चाहिए, ये यहाँ का जो है लीची मशहूर है, ये जो मुजफ्फरपुर और ये जो तीन चार डिस्ट्रिक्ट है इनका मशहूर है, इसको तो दे देना चाहिए। तो आपके पास वो दिमाग में है, लोगों के दिमाग में ऑलरेडी है, बताने की जरूरत नहीं कि लीची होती है, लोग यहाँ की लीची खाते हैं, बाहर के यहीं की लीची खाते हैं ना, तो यहाँ का शहद भी खाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, उन्होंने बताया ट्रेडिशन हर जगह घुसा हुआ है, ओरिजिन घुसा हुआ, ओरिजिन आपने दिखा दिया, ये ज्योग्राफिकल एरिया, ये हमारा डोमेन है, ये ज्योग्राफिकल डोमेन ये है। अब आपको उसमें प्रोसेस दिखानी पड़ेगी, हम ये रखते हैं, बक्सा लाते हैं, फूल आता है, बक्सा लेके जाते हैं, हनी निकालते हैं, इस तरह से हनी निकालते हैं, वो बताया ना, उसमें वो टेम्परेचर कितना रहता है वो फिक्स होना चाहिए, HMF बताया मैंने, उसका कंटेंट 0 से 40 मिलीग्राम से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, रेंज के अंदर है, सब चीजें करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक नहीं होना है, ये सब चीजें जब बताएंगे तब जाके आगे बढ़ेगा ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको तुरंत मिलेगा, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसी साथ तैयार हो गए हम लोग, इतनी दूर से चले आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट सपोर्ट के पार्ट में ही आ रहे हैं, हमको आपको सपोर्ट करने के लिए बुलाया गया ना। और विकास दास भी तैयार हो जाएंगे, भाई ये उस हनी का रेजिड्यू एनालिसिस कराएंगे, GCMS SPLC फलाना ढिमाका जो भी मिल जाएगा, इसमें कुछ है तो नहीं ऐसा जिससे हमारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये वहां काम करेंगे ठीक। तो ये आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे बड़ा है। और तीसरा जो है, चौथा, मार्केट पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। मार्केट पोटेंशियल क्यों गया है, क्योंकि आपकी लीची मशहूर है, इसलिए आपका हनी भी मशहूर होगा। अब आगे चलता हूं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी है, मैंने बता दिया आपको। एक तो रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है, जो ये नियम कानून है, इनके ऊपर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज जो है, सबसे लिमिटेड अवेयरनेस, इनको अवेयरनेस है, उनको कुछ नहीं है, वो हनी को जो ऐसे ही घुमा दे रहे हैं, वो निकाला उसमें से वही गंदा संदा मिला दे रहे हैं, तो ये सब चीजें ध्यान रखने की पड़ेंगी, ये होगा। लेकिन आने के बाद आप लोगों को मैंने जो जो सावधानी बता दी है उसको ध्यान रखें। हमारा मालदा में भी सेंटर है, वहां पर सब फैसिलिटी अवेलेबल है, और उनको सबको एनालाइज कराइए और HMF जरूर कराइए। इसमें HMF के अलावा जो जो इसमें है उनको करा के मैं आपसे बाद में बात करूंगा, इन लोगों के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।